हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या किराना दुकानदार को जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप किराने की दुकान अपने गांव मोहल्ले में छोटी जगहों पर चला रहे हैं या छोटी मार्केट में चला रहे हैं या फिर आप अपने गाँव के मोड़ पर चला रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी दुकानें होती हैं हमारे आसपास, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके की दुकान चला रहे हैं या दुकान चलाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपको जीएसटी नंबर चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट भी आया था इस टॉपिक पे और इस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप छोटी किराना दुकान चला रहे हैं यानी कि दिन के ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹5,000, ₹6,000 अगर आपकी बिक्री है डेली की, यानी कि आप कितना बिजनेस कर पा रहे हैं, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए महीने का अगर आप बिजनेस करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो लोकल होलसेलर या लोकल डिस्ट्रीब्यूटर आपको ला के देते हैं या आप जाके लाते हैं वहां से, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं तो आपको जीएसटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वकील से पूछते हैं या फिर आप किसी और से पूछते हैं तो सभी लोग ये कहेंगे नहीं, जीएसटी लेना बहुत जरूरी। हाँ, अगर आप लोन लेने के लिए अपनी दुकान पे लोन लेना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर जरूरी है, ठीक है। तो वो प्रोसेस अलग हो गया लोन के। लेकिन अभी क्या है कि छोटी जब हम दुकान चलाते हैं तो हमें बेसिकली बहुत ज़्यादा लोन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि छोटे पूंजी में स्टार्ट हो जाती है दुकानें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप दुकान चलाते हैं तो आपको जीएसटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी अगर आप लेते हैं तो सिर्फ जीएसटी नंबर ले लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको हर महीने या हर तीसरे महीने आपको रिटर्न भरना पड़ता है, जिसके लिए आपको वकील को 500 से लेके 1,000 रुपए मंथली या फिर 3 महीने पे आपको देना पड़ता है। तो आपको ये जो खर्चा होगा वो बहुत ज़्यादा खलेगा, क्योंकि आपकी कमाई उतनी नहीं है और आपने जीएसटी नंबर अगर बनवा लिया है तो ये भरना जरूरी है। अगर आप नहीं भरते हैं तो ये समझ लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कभी भी आपको नोटिस आ सकती है और पेनाल्टी लग सकती है सरकार के द्वारा। जब पेनाल्टी लग जाएगी तो आपको जाहिर सी बात है उसको जो भी अमाउंट की पेनाल्टी लगेगी वो आपको भरना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी नंबर आपने ले लिया है तो रिटर्न आपको भरना पड़ेगा कि हाँ, इस जीएसटी नंबर से आप क्या क्या खरीद रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो देखो यार, कभी ऐसी चेकिंग नहीं आती है कि जीएसटी नंबर या लोग चेक करने आए, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है। अगर पहली दफ़ा आ भी जाते हैं तो आपको समझा देते हैं कि भाई आपको ज़रूरत है, आपकी सेल इतनी है, ये चीज़ तो आप बनवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गांव देहात मोहल्ले चौराहों इधर उधर आप अगर छोटी किराने दुकान चला रहे हैं तो जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी अच्छी खासी दुकान है और आप अच्छा खासा प्रोडक्ट कहीं से परचेज करते हैं जो सामने वाला जीएसटी नंबर मांगता है, ठीक है, और कई प्रोडक्ट आप मंगाते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है और आप कितना कमा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी उम्मीद करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, या रेड वाली बटन दबा के बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, तो इसमें यार कंजूसी क्यों आप लोग करते हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही देते हैं। तो अगर आप ए टू जेड कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे हमें फॉलो जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।